गए जी वापस घूम के। जी हाँ, सुबह निकला था अभी तक, अभी वापस आ गया हूँ। तो कहानी यहीं से शुरुआत करते हैं। इमिग्रेशन कर लिया था, इमिग्रेशन करने के बाद बढ़िया तरीके से वीज़ा अवेलेबल मिल गया। 5 मिनट में 10 मिनट में मिल गया मेरे को वीज़ा। सिर्फ 200 बाद एक्स्ट्रा लगे जो एक्सप्रेस लाइन के थ्रू होता है। मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। अब मेरे को यहाँ से जाना है बाली। 7:35 का फ्लाइट का टाइम है। अभी 5:30 हो रहा है। FD-398 एयर एशिया का ही जहाज है। 7 kg लगेज है उसमें। सिक्योरिटी चेक हो गया, उसके पहले इमिग्रेशन हो गया। सब चीज़ सिंपल, नॉर्मल सा बोर्डिंग पास भी ले लिया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बाली वाला फ्लाइट पकड़ने के लिए, FD-398। जी हाँ, इस वक्त थोड़ी सी, अगर आप इस टाइम अगर आप आएँगे तो आपको टॉनमिंग एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा पूरा भरापुर दिखेगा। सर, आप लोगों ने देखा होगा मुझे कि सोलो ट्रैवल करते हुए। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है म्यांमार का, जो मेरा लास्ट सीरीज था वो मैंने अपने फ्रेंड के साथ किया था। इस बार कुछ अलग ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप लोग अगर सोच रहे होगी आपका फैमिली के साथ या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर जाना चाहते हो, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, तो वो ट्रिप कैसा होता है? तो वो ट्रिप ऐसा होता है, मैं आप लोगों से कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ, स्पेशली बहुत खास है मेरे, और इस ट्रिप में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। हर बार की तरह मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार मेरे साथ ये सब मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं। तो मैं आपसे सब लोगों से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है राजेश, ये है प्रीतम, हेलो, ये है अविनाश, और ये है पुष्पेंद्र। ये सब मेरे बहुत ही क्लोज हैं। तो अभी हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा, अभी हम फ्लाइट में जाते हैं और आगे की जो भी जर्नी होगी वो हम साथ में करने वाले हैं। ये 7 दिन बाली में बहुत इंजॉय करेंगे और आगे की जर्नी आपको पता चली जाए। हम लोग गेट के नज़दीक पहुंच गए हैं, गेट नंबर 6, वही फ्लाइट एयर एशिया का। अभी क्यू में खड़े हैं और बहुत जल्द हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं। और ये थोड़ी सी लंबी फ्लाइट है, जैसे मैंने कलकत्ता से लेके बैंकॉक आया था वो जर्नी करीब 3 घंटा मैक्सिमम था, तो ये जर्नी करीब 5 आवर्स का लगभग होने वाला है। तो अभी एक्चुअल में अभी बाली पहुँचने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि उसका फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या रहेगा। अरे राजेश भाई, वेजिटेरियन नूडल्स ट्राई कर रहे हैं। वेजिटेरियन के बारे में वो बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। और नूडल्स हैं, नूडल्स डले हुए हैं एंड इसमें जो वाटर है हॉट वाटर, इसमें ये ऐसा लग रहा है किसी सूप में, सूप में हॉट वाटर में देख रहे हैं, उसके ऊपर नूडल्स डाल दिए गए हैं। जैसे अपन इंडियंस लोग खाते हैं ये वैसा तो नहीं है, लेकिन
काम अच्छा जाएगा, टेस्ट भी ठीक है, बट सम पीपल कांट टेक दिस। मतलब वेजिटेरियन के लिए तो इतना तो चलेगा, हाँ वेजिटेरियन के लिए कहीं तो ऑप्शन है तो यही खाना पड़ेगा। और ये बुरा भी नहीं है, अच्छा है, डिफरेंट है, तो समझ में, ये इंडिया तो नहीं है लेकिन उस हिसाब से फिर बहुत अच्छा ही है। इतनी हाइट की ऊंचाई पर अगर इतना कम में 60 बात में मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर अगर ये चीज़ अगर 60 बात बोलो अगर इंडियन रुपीज़ में होगा तो 120 या 30 रुपए के आसपास। साढ़े 4 घंटे की जर्नी थी, कब नींद आया पता ही नहीं चला। वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इंडियंस के स्पेशली वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एनी टाइम के लिए, और इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि हाँ ये एक महीने के लिए, फिर कुछ दिन के लिए, ये वीज़ा फ्री है लाइफ लॉन्ग के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए फ्री है। बाली का जो एयरपोर्ट है इंदसार का काफ़ी बढ़िया है, आर्किटेक्चर भी बहुत बढ़िया है। इमिग्रेशन हो गया, सिर्फ ये पूछा हमसे कि आप कितने दिन के स्टे करोगे और क्या, कुछ भी सवाल नहीं पूछा। और एक कस्टम डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, ये फिलअप करेंगे, उसके बाद आगे है सिक्योरिटी चेक, मतलब कस्टम वो कंप्लीट करेंगे फिर अपन एग्जिट कर जाएंगे। फिलहाल तो ये फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही राइट साइड लिफ्ट अप, जब आप कस्टम क्लियर्स करोगे, जब आप बैगेज वगैरह चेक करोगे, उसके बाद आपको करेंसी एक्सचेंज अगर करना है तो वहीं से करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। फिलहाल तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत महंगी रेट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि करेंसी एक्सचेंज कभी भी मत कराना है एयरपोर्ट से, जब एकदम इमरजेंसी हो, जब आपको ज़रूरत हो एक्सचेंज करा देना। राइट नाउ बाली में अभी 1:43 हो रहा है। सिम कार्ड तो अभी तक नहीं लिया हूँ, फिर हूँ एयरपोर्ट से लूँ, बट एयरपोर्ट में देखा थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ अभी होटल चले जाता हूँ।
यहाँ से जो मेरा होटल है करीब 1.3 किलोमीटर के लगभग ऐसा कुछ है। एक्चुअली एयरपोर्ट से किसी के साथ मैंने हॉटस्पॉट देख के मैंने वाईफाई शेयर कर लिया था। अभी वॉकिंग डिस्टेंस है करीब 10 से 15 मिनट लगेगा। लोग साथ में हैं, थोड़ा सा पैदल वॉक भी कर लेंगे तो गाड़ी करने का भी कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली जो होटल है वो है कुता बीच के आसपास, जो भी वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट लगेगा शायद पहुँचने के लिए, 1 किलोमीटर के लगभग है। अभी इंडिया का टाइम के हिसाब से 11:30 हो रहा है और यहाँ पे 2 बज रहे हैं। आगे का 6 दिन कब कैसे गुजर रहा है कुछ बोल नहीं सकता। ये ट्रिप वाकई में कुछ अलग होने वाली है, आपको मैं बता दूँ। मेरा ये सोलो ट्रिप नहीं है, ये ट्रिप ग्रुप ट्रिप दोस्तों का ट्रिप है। अब भी शायद प्लान कर रहे होगे ना दोस्तों के साथ, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएगा। आ गया हूँ होटल सोलारिस कोतावाली में, 10 मिनट लगा हार्डली पहुँचते हैं यहाँ पे। रोड सुनसान है क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। अभी अंदर जाता हूँ, चेक इन करता हूँ। रिकमेंड करूँगा कि आप वाली में आते हो तो एयरपोर्ट के पास जो भी आपका नियरेस्ट जो होटल है, बेस्ट है, हॉस्टल है, वो आप ले लो। और तो आप रात के वक्त आओगे या फिर दिन में भी आओगे तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हेडेक नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप 4-5 घंटा ट्रैवलिंग करके आओगे, फिर उसके बाद आप टैक्सी करके 1 घंटा और आप हॉस्टल में पहुँचोगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। तो उससे अच्छा अगर पास ही कहीं होटल ले लो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये है होटल, हम लोगों का होटल सोलारिस। पहली बार फॉरेन कंट्रीज में आके होटल में स्टे कर रहा हूँ, देखता हूँ होटल का स्टे कैसा होता है।